सच को देखिए कि किस तरह से मेरा चौकीदार बेहाल है, किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। एक सच्ची घटना पर आधारित है। चौकीदार की व्यथा सुना में सुनियो भैया, ध्यान लगा गांव की करते हैं रखवाली। ऐसी व्यथा रहे बताए सुनियो मेरे भैया, थाने पे ये काम कराए झाड़ू पोछा ये सब करते। ऐसी व्यथा रहे है सुनाए, दीवान जी सब काम कराते। कैसे झेले ये सब बात, ऐसे बनी है ये जिंदगी। आप सभी जानते होंगे कि एक चौकीदार विभाग ऐसा है, विभागों से आज ये इतना ज्यादा ग्रसित है कि सरकार भी नहीं सुनती। सरकार ने वादा किया था 2017 में 10,500 वेतन का, आज 2,500 में इनका कैसे गुजारा होगा, इस पर विचार आप लोग कर सकते हैं। मैं आम जनमानस से कहना चाहूंगा कि इनकी पीड़ा, इनके दर्द को समझने का प्रयास करिए। आगे क्या कहना है आप लोग सुनते रहिए। अपने अधिकार के लिए जागो, ऐसे हो बेहाहाकार जंतर मंतर दिल्ली चलते। अपनी व्यथाएं मोदी सुनाए, 2,500 की करे नौकरी। घर की बसर न होने पाए, वादा किया था जब योगी ने। योगी ने मारी है पेट पे लात, कहां को जामे ये मेरे भैया। इनकी सुनियो योगी पुकार, वादा करके तुम हो मुकरे। बजट नकीनो तुमने पास, कैसे कटेगी इनकी जिंदगी। धरना करते इनको ठगते इनके ही नेता, सुविधा के नाम ये पैसा लेते। कुछ चला है सालों साल, नहीं हुई सुनवाई इनकी। भैया कहानी रहे सुनाए, कैसे व्यथा ये इनकी सुना में। 24 घंटे ड्यूटी करवाए, थाने पे इन शोषण होवे। काहू की नजर न पड़ने पाए, योगी जी तुम यहाँ पे देखो। गरीब का ये करो धार, कैसी हालत हो गई इनकी। सब कुछ लोग ये लूटत खाए, कोई ना ये सुनने वाला। अन्नू बीच में गौ है आए, कैसी हाहाकार मची है। चौकीदार जाग गया है, 2024 में इसका परिणाम क्या होगा ये सरकार खुद देखेगी। लोक जनसमाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतीश चतुर्वेदी जी ने वादा किया है चौकीदारों से कि बहुत जल्द ही जंतर मंतर दिल्ली में पहुंचकर वो बड़ा आंदोलन होगा, अगर सितंबर के पहले पहले सरकार ने वचन अपना पूरा नहीं किया। चलिए आइए आगे सुनते हैं। योगी सुन लो, मोदी सुन लो, बीती ने ये भरी हुंकार, दिल्ली में आंदोलन होगा। चौकीदार गया है जाग, लोक जन समाज पार्टी बोले। सतीश चतुर्वेदी कहलाए, अब तो बड़ा आंदोलन होगा। नहीं सुनेगी अगर सरकार, ऐसी कहानी हम तो सुना में। सब भैयन को है नमस्कार, अन्नू तुमको सुनावेगा था। कैसी है ये कहानी बताए, जल
करिए। प्यार ये आशीर्वाद बरसाए सब भैयन को है।